हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा साइनोजेन के फीचर्स के बारे में। मुझसे कई लोगों ने पूछा है कि साइनोजेन क्या है और क्या ये एंड्रॉयड से अलग है। तो नहीं, ये एंड्रॉयड से अलग नहीं है, बल्कि ये एंड्रॉयड के ऊपर ही है। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं, जैसे एंड्रॉयड है हमारे पास, उसमें हम कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स और कस्टमाइजेशंस को ऐड करें तो वो बन जाता है हमारा साइनोजेन। हेलो फ्रेंड्स, तो अब मैं आपको बताऊंगा साइनोजेन के फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये डिवाइस जो है साइनोजेन पर रन कर रही है। ये मेरा मोटो G2 फ़ोन है, इसमें मैंने साइनोजेन डाला है। अगर अब हम जाएं सेटिंग्स में तो हम यहाँ अबाउट फ़ोन में जाकर देख सकते हैं, एंड्रॉयड वर्जन है 6.0.1 और साइनोजेन वर्जन है 13.0। तो ये साइनोजेन का लोगो है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं हमें साइनोजेन के अंदर। तो सेटिंग्स में जाते हैं। सेटिंग्स में अगर हम सबसे पहले जाएं डिस्प्ले एंड लाइट्स में, तो इसमें सबसे पहले हमको मिलता है लाइव डिस्प्ले, जो कि साइनोजेन का है। इसमें हमको डे नाइट मोड्स मिलते हैं। जैसे मैं नाइट सिलेक्ट करूं तो ये येलोइश कलर में चला जाएगा, तो ये रात के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। इसको करते हैं ऑफ, और हम कलर टेम्परेचर्स को मैन्युअली भी चेंज कर सकते हैं। जैसे रेड को मैंने कम किया, ग्रीन को कम किया, तो ये फीचर भी हमको साइनोजेन में मिल जाता है। और अगर हम बात करें तो हम साइनोजेन में DPI एक्सेट्रा भी चेंज कर सकते हैं, 320 है, ये सब कर सकते हैं। और फ़ॉन्ट साइज़ को हम ट्रेडिशनल फ़ोन्स में क्या होता है, जैसे 100% से सीधा 90% कम कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम 1-1% करके चेंज कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा फीचर है। डिस्प्ले में नोटिफिकेशन लाइट, देखिए आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इसकी ब्राइटनेस को ज़्यादा कम कर सकते हैं। जैसे मैं कर रहा हूँ और नोटिफिकेशन ये कम हो गया है, तो ये सब भी आप कर सकते हैं इसमें। और आपको साइनोजेन के अंदर डिफरेंट थीम्स मिल जाएगा। जैसे ये है, मैंने और कोई थीम डाउनलोड नहीं किया, लेकिन आपको प्ले स्टोर से बहुत सारे थीम्स, अच्छे अच्छे थीम्स मिल जाएंगे जो आप डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं साइनोजेन में। डिफॉल्ट एंड्रॉयड में थीम सपोर्ट नहीं होता है, सैमसंग गैलेक्सी सोनी एक्सेट्रा के फ़ोन में होता है, लेकिन डिफॉल्ट नहीं होता है। तो नोटिफिकेशंस ये सेम ही है एंड्रॉयड जैसा। इसमें आप ये काम कर सकते हैं कि आप जो ऊपर से नोटिफिकेशन आता है हेड्स अप नोटिफिकेशन, उसको यहाँ से डिसेबल या फिर इनेबल कर सकते हैं। बाकी ये सब स्टॉक एंड्रॉयड का ही है। यहाँ पर लॉक स्क्रीन में काफ़ी अच्छे फंक्शंस दिए गए हैं। जैसे हम लाइव वॉलपेपर लगा सकते हैं लॉक स्क्रीन पे, जो कलर चेंज करता रहेगा खुद ब खुद। और एक और अच्छी चीज़ है कि डिस्प्ले म्यूजिक विजुलाइजर। अब जैसे मैं कोई म्यूजिक प्ले करता हूँ, यहाँ पे जाके जैसे ये म्यूजिक मैंने प्ले किया, तो अगर मैं इसको लॉक करता हूँ तो हम देखेंगे कि लॉक स्क्रीन पे ये एनिमेशंस बहुत अच्छी एनिमेशन देख दी है। तो ये भी एक साइनोजेन का फीचर है। लॉक स्क्रीन्स में हम वेदर को शो कर सकते हैं, ये इनबिल्ट वेदर फैसिलिटी आपको साइनोजेन में दी गई है। अब चलते हैं बटन्स की ओर। बटन्स में क्या है कि हमको ये लेफ्ट हैंडेड मोड है, अगर हम इसको टिल्ट करेंगे तो ये बटन्स जो हैं ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड मोड। शो एरो कीज वाइल टाइपिंग है। अब जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ तो मुझे टाइप करना है, तो मैं यहाँ पे मुझे दो बटन एक्स्ट्रा दिखाई देंगे जो कर्सर कंट्रोल के लिए हैं, ये जो लास्ट में है। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। बटन्स एंड लेआउट, मतलब ये जो नीचे के तीन बटन हैं इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। इसको बैक बटन को इधर ला सकते हैं, रिसेंट बटन को इधर ला सकते हैं। तो जैसे मैं एडिट करूं, और आप कोई नया बटन भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं एक नया बटन ऐड करूं, मेन्यू बटन, और मैंने इसको सेव किया, तो हाँ मैंने सर्च बटन को ऐड किया, तो देखिए आप यहाँ पे चार बटन आ गए हैं, सर्च का बटन भी आ गया है। तो फिलहाल के लिए मैं इसको डिफॉल्ट ही रहने देता हूँ।
तो ये है एंड कॉल, कि अगर आप पावर बटन दबाते हैं तो आपका कॉल एंड कर देगा। पावर मेन्यू हम कस्टमाइज कर सकते हैं, हम स्क्रीनशॉट अगर हम ऐसे रखते हैं तो हमको इसमें स्क्रीनशॉट का भी एक ऑप्शन मिलेगा। ये प्लेबैक कंट्रोल है कि अगर हम वॉल्यूम को दबाकर रखें तो म्यूजिक हमारा चेंज होगा, और ये सब फंक्शन हमें मिल जाते हैं बटन्स के अंदर। और बैटरी टिपिकल एंड्रॉयड स्टाइल की बैटरी है। एक चीज़ जो हम कर सकते हैं कि हमको बैटरी में मोड्स मिले हैं, जैसे पावर से एफिशिएंसी, बैलेंस, परफॉर्मेंस मोड, तो ये हमको स्टॉक एंड्रॉयड में नहीं मिलता है। और हम बैटरी स्टेट्स को डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे ये मैंने इसको यहाँ से डिलीट किया, तो ये करंट जो भी है उसको डिलीट करके अभी से स्टार्ट करेगा, ये देखिए। और सिक्योरिटी में अगर हम जाएं तो सिक्योरिटी एंड्रॉयड की ही सिक्योरिटी है, इसमें कुछ खास नहीं, मेमोरी एंड्रॉयड के जैसा ही है। और ये देखिए हमको ये एक मिलता है स्टेटस बार, तो हम इसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं। जो स्टेटस बार आइकन्स की, अगर मुझे जो ब्लूटूथ का ऑप्शन नहीं शो करना तो मैं इसको बंद कर सकता हूँ। मुझे अपना एयरप्लेन मोड का सिंबल नहीं चाहिए तो मैं ये उसको यहाँ से बंद कर सकता हूँ। ये सब हम कस्टमाइज कर सकते हैं इसमें। और जैसे ये यहाँ पर देखिए घड़ी आपको लेफ्ट साइड में दिखाई दे रही है, तो अगर मैं इसको सेंटर सेलेक्ट करूँ तो ये सेंटर में आ जाएगी। तो ये सब भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं इसमें। बैटरी कैसे दिखानी है वो कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी ये है पोर्ट्रेट आइकन है, इसको सर्कल करना है तो ये सर्कल में आ जाएगी। ये सब हम चेंज कर सकते हैं। बैटरी परसेंटेज अगर मुझे चाहिए या नहीं चाहिए, तो अगर मैं हिडन करता हूँ तो बैटरी परसेंटेज नहीं दिखेगा। तो ये सब फीचर्स हमें साइनोजन के अंदर मिलते हैं। और ये है ब्राइटनेस कंट्रोल, इसको देखिए अगर मैं ऐसे करता हूँ तो ऊपर से अगर मैं इसको ऐसे जस्ट स्लाइड करूँ तो ब्राइटनेस कम ज़्यादा होगी, देखिए ब्राइटनेस कम हो गई है। तो ये चीज़ हम वहाँ से कर सकते हैं, जस्ट ब्राइटनेस। ओके, क्विक पुल डाउन है हमारे पास, कि अगर मैंने राइट से स्वाइप किया तो जैसे कुछ अगर नहीं खुला हुआ है और मैंने राइट से स्वाइप किया तो ये पूरा क्विक सेटिंग्स खुलेगा। बाकी ये सब जो है ये स्टॉक एंड्रॉयड का ही है। एक फीचर हमको मिलता है वेदर, जो इनबिल्ट है, हमको यहाँ स्टेटस बार पे भी दिखेगा और लॉक स्क्रीन पर भी दिखेगा ये। और जो बात है कि हम इसमें क्विक सेटिंग्स को भी कस्टमाइज कर सकते हैं, एडिट में जाइए और जो जो अगर जैसे मुझे लोकेशन को अगले पेज पे लेके जाना है तो मैं इसको ऐसे करके नेक्स्ट पेज पे या उसकी पोजीशन को चेंज कर सकता हूँ। ये फंक्शन भी हमको साइनोजन में दिया गया है। डिस्प्ले में हमको एक और फंक्शन दिया गया है, ये डबल टैप टू स्लीप। अगर मैं ऊपर स्टेटस बार पे डबल टैप करूँ तो फोन लॉक हो जाएगा खुद ब खुद, तो ये भी बहुत अच्छा वो फंक्शन है। तो ये जो हैं ये साइनोजन के मेन फंक्शंस हैं, फीचर्स हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, होप टू सी यू अगेन, बाय एंड हैव अ नाइस डे।